हाय दोस्तों, आज हम G81 ये ड्रिलिंग साइकिल से जॉब के ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है आज ये वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि इधर एक मैंने एक जॉब निकाला है, टोटल एक ड्राइंग निकाला है, टोटल प्लेट का प्लेट का ड्राइंग, मतलब ये जो होल है, होल दो होल का डिस्टेंस 200 है, वो एक्स में है और वाई में भी दो होल का डिस्टेंस 200 mm का है। ये वाई में मतलब वो विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये जो हाइट है वो प्लेट का वो 30 mm का डेप्थ है। टू ये ड्रिल होल 30 mm अंदर जाना है उसको टोटल। तो ऐसे चार होल मार के ये साइकिल प्रोग्राम द्वारा कैसे करते है, क्या नहीं, वो होल कितने का है, 8 mm का है और चार होल है, 8 mm का ड्रिल से चार होल मार के उनको देना है। तो वो साइकिल प्रोग्राम से हमको बनाना है, मैनुअल नहीं। तो साइकिल प्रोग्राम से G81 से कैसे बनाते हैं ये हम अभी देख रहे हैं। ये जो G81 ये क्या है, ड्रिलिंग साइकिल है हमारा। तो ये ड्रिलिंग साइकिल से हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या कहता है 81 का, ये हम देखेंगे पहले। ये ड्रिलिंग साइकिल है, उसका फॉर्मेट जो कहता है क्या है कि फॉर्मेट G98 और G99 ये कंबाइन दो कोड में से आप कौन सा भी G81 समझो एक्स है आपका, वाई हो गया, ये जेड हो गया, आर हो गया, के हो गया और एफ, ये कैसे ये फॉर्मेट है इसका ड्रिलिंग साइकिल का G81 का। तो ये हर एक मीन क्या कहता है वो देखेंगे टोटली। तो G98 क्या कहता है टोटल, वो इनिशियल लेवल बोल के काम करता है, लेवल बोल के काम करता है, मतलब Z0 से जो वैल्यू सेफ वैल्यू का ब्लॉक का जो जेड का वैल्यू होता है वही इनिशियल वैल्यू होता है और G99 मतलब आर पॉइंट वैल्यू होता है। आर पॉइंट मतलब ड्रिलिंग साइकिल टूल ड्रिल करने के लिए आते वक्त और होने के बाद जाते वक्त जो सेफ वैल्यू को एक सेफ जगह रुकता है वो आर वैल्यू होता है टोटल। तो ये आर पॉइंट लेवल वैल्यू उसको बोलते हैं टोटल। तो उसके बाद ये कोड से शिफ्ट होता है दूसरी तरफ 99 देने से, मतलब बिफोर और आफ्टर आर पॉइंट को ही रुकेगा टोटल, वो 99 देने से टोटल। फिर उसके बाद G81 ये क्या है, साइकिल कोड है आपका, साइकिल कोड है। एक्स मतलब क्या है, कौन सा वैल्यू देते हैं हम, पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू किसका वैल्यू देते हैं हम, एल लेंथ का देते हैं ना टोटल। फिर उसके बाद वाई हमारा, वाई क्या है, पोजीशन ही वैल्यू देते हैं हम, पोजीशन वैल्यू कौन सा देते हैं हम, विड का देते हैं, विड डब्ल्यू मतलब विड का वैल्यू देते हैं टोटल। मतलब यहाँ वर्क जीरो जहां किया है वहां से ये जो एक्स है और यहां से ये वाई जो रहता है, वाई मतलब ये है ना टोटल, जो वैल्यू एक्स और वाई का जो भी होल का रहेगा चारों का ये इसके सामने आपको देना पड़ता है टोटल। और उसके बाद जेड जो हमारा है एंड डेप्थ वैल्यू है, एंड डेप्थ वैल्यू, एंड डेप्थ वैल्यू मतलब उसको हाइट बोलते हैं टोटल, हाइट और डेप्थ का वैल्यू, एच मतलब जेड मतलब, आर मतलब रिट्रैक्ट वैल्यू, रिट्रैक्ट वैल्यू, वैल्यू मतलब आफ्टर और बिफोर, बिफोर और आफ्टर जो सेफ रहता है ड्रिलिंग के लिए आया टोटल टूल। तो ये ऐसा ये समझो चार होल आपको मारना है टोटल, तो एक सेफ जगह आके रुकेगा, फिर जेड जीरो को जाएगा, जेड माइनस जाएगा, फिर वापस आके रुकेगा, वो आर वैल्यू होता है टोटल, रिट्रैक्ट वैल्यू बोलते हैं होने के बाद। और मतलब सेफ टूल ड्रिल जो भी है आपका सेफ जगह रुकाने का काम ये, इसलिए हम आपको देना पड़ता है साइकिल में इसलिए और के उसके बाद रिपीट टू रिपीट होल, एक ही होल बार बार रिपीट करना है। तो के सामने आप वैल्यू देना, के लेटर देके उसके सामने वही होल
समझो क्या हुआ है, एक ड्रिलिंग मार रहे हो मगर उससे क्या आपका होल फिनिश नहीं हो रहा है, बर अटक रहा है, तो वही होल पे दो बार छोड़ेंगे तो वो बर पे जो अटका हुआ है रिमूव हो सकता है टोटली, इसलिए ओके आप यूज करते हैं टोटली। नहीं देंगे तो भी चलेगा, देंगे तो ऐसा देना है, और जो फिट रेट है कटिंग के लिए रहता है फिट रेट। फिट रेट किस में देते हैं हम, एमएम पर मिनट में, क्योंकि इसमें टूल जॉब रेगुलेशन होता है ना स्पिंडल द्वारा, इसलिए एमएम पर मिनट में ये दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा ये फॉर्मेट के हिसाब से उसका क्या वर्किंग करता है, ये फॉर्मेट हमने देखा है टोटल। अभी उसका लेआउट, ये साइकिल का लेआउट कैसे वर्किंग करता है इसके हिसाब से, ये कैसे वर्किंग करते हैं वो हम अभी इसमें देखेंगे टोटल। समझना है, उसमें बाद में हम जो ले आओ, ले आओ G98 और G99 ये इनिशियल आर और ये Z0 से ये डेप्थ रहेगा आपका, डेप्थ के बाद डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट को ही जाएगा वो, हाँ। और जो ये है ये इनिशियल, ये आर को आएगा, आर से फिड रेट से Z0 को जाएगा, हाँ। ये फिड रेट का ये है, फिड रेट से वो डेप्थ को जाएगा जो भी डेप्थ दिया जेड में, और वापस वो आर पॉइंट को ही रुकेगा, ये इधर से ही शिफ्ट हो जाएगा टोटल, ये आर पॉइंट है ध्यान रखिए। आर पॉइंट ये Z0 है आपका, हाँ, और ये जेड डेप्थ है आपका Z-30, ये डेप्थ है आपका। वो ये कोड देने, ये साइकिल के सामने कोड देंगे 81 के सामने, तो ऐसे हर वक्त तो इनिशियल को ही जाके दूसरे होल को शिफ्ट हो जाएगा, और 99 देंगे तो आर वाई आर पॉइंट जो वैल्यू है उसको ही, उससे वो वैल्यू को आने के बाद ही दूसरे होल को शिफ्ट हो जाएगा टोटल। तो इसी ये लेआउट है, 98 और 98 यूज करने से क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा है टोटल, हाँ। तो ये लेआउट देखा, फिर उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते वो देखते हैं एब्सोल्युटली और इंक्रीमेंटली इसका टोटल, हाँ। तो उसका कोऑर्डिनेट हम समझो एब्सोल्युटली मतलब G90 एक्स वाई जेड, हाँ, एक कोऑर्डिनेट है एब्सोल्युटली, हाँ, ये एब्सोल्युट कोऑर्डिनेट है उसका। तो कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा हमारा, जीरो से कितने होल है, जीरो मतलब यहां हमने जीरो किया तो जीरो से एक, हाँ, कितने होल है, चार है, जीरो से दो, जीरो से तीन और जीरो से चार, हाँ। G90 मतलब एब्सोल्युटली मतलब फिक्स वर्क जीरो के अगेंस्ट, मतलब ऐसे जीरो से एक मतलब ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, कितना अंतर है, ये 200 है टोटल, तो इधर से ये 100 है मतलब वाई ये 100 हो गया और एक्स ये भी 200 है टोटल, हाँ, तो उसका हाफ अंतर ये 100 है ना टोटल, तो एक्स तो पहले का एक्स प्लस 100 और वाई प्लस 100, हाँ, जेड का कुछ मन है, जेड में ये रहेगा टोटल, हाँ, जेड माइनस कितना आपका 30, जेड माइनस 30 ही रहेगा टोटल, हाँ, पहले हो। फिर दूसरा जीरो से टू नंबर, टू मतलब ये एक्स इतना कितना अंतर है इधर से, ये एक्स 100 है, 200 है ना टोटल यहाँ से, मतलब उसका हाफ 100, तो इसलिए ये एक्स 100 माइनस में होगा और वाई प्लस ही है ना, क्योंकि यहाँ से ये दो होल प्लस है, तो यहाँ से ये वाई कितना अंतर है 100, तो वाई प्लस 100 एक्स माइनस 200, एक्स माइनस 100, हाँ, और वाई प्लस 100 रहेगा टोटल, और जेड माइनस 30 ही रहेगा स्टैंडर्ड, हाँ? डेप्थ है उसका टोटल। फिर उसमें तीसरा जीरो से तीन नंबर, एक्स माइनस में ही है, एक्स माइनस 100.0, वाई माइनस अभी 100 में होगा क्योंकि नीचे आ रहा है टोटल, वाई माइनस ऐसा रहेगा और एक्स ये अंतर 100 है, वाई माइनस 100 रहेगा टोटल, हाँ? जेड माइनस 30 ही रहेगा टोटल, हाँ? फिर चौथा होल एक्स प्लस में जाएगा, वाई माइनस में जाएगा, एक्स प्लस आपका 100 रहेगा,
y माइनस 100 रहेगा टोटल, हाँ और z माइनस 30, हाँ। तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट हुआ एब्सोल्युटली टोटली, तो ये ऐसे ये चार होल का कोऑर्डिनेट हमने बनाया टोटल। तो अभी ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसका प्रोग्राम कैसे एब्सोल्युटली बनाया जाता है ये हम अभी प्रोग्राम देखते हैं टोटल यूनिवर्सिटी का, हाँ। तो प्रोग्राम बनाते वक्त पहले हमको पहले प्रोग्राम नंबर डालना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम नंबर हो गया हमारा, और कितने का ड्रिल मार रहे हैं हम 8 mm का, तो ये 8 mm हमने डाला है टोटल ड्रिल, हाँ 8 mm ड्रिल ऐसा लिख दीजिए आप, जो 8 mm ड्रिल ऐसा नाम देने का, मतलब टोटल ये रहेगा टोटल, हाँ 8। फिर उसके बाद मैं सीक्वेंस नंबर दे रहा हूँ, हाँ। फिर उसके बाद मैं सेव कोड देता हूँ जो प्रोग्राम के लिए, मतलब हम बता रहे कि हम एब्सोल्युटली प्रोग्राम बना रहे हैं, और जो हम वर्क ऑफसेट ले रहे हैं 54 का नंबर है वर्क ऑफसेट का, जहाँ हम मशीन जीरो और वर्क जीरो का वैल्यू जो लेते हैं ऑफसेट तीनों एक टूल का 3 एक्सेस का ये वैल्यू इसमें है टोटल। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ टूल नंबर लिया हूँ, टूल नंबर एक है ये ATC कोड है ऑटोमेटिक टूल चेंज का। फिर मैं RPM दे रहा हूँ टोटल 12 से, ये उसका डायरेक्शन दे रहा हूँ क्लॉकवाइज दिशा से रिवोल्यूशन होगा वो टूल ट्रिल, हाँ। फिर उसके बाद मैं G43 दे रहा हूँ, मतलब टूल लेंथ पॉजिटिव, हाँ टूल हाइट पॉजिटिव, लेंथ पॉजिटिव मतलब वर्क जीरो से, हाँ 100 mm वो वर्क जीरो से प्लस में रहेगा, या 01 मतलब जेड में ही हमको वेयर होने के बाद टूल ड्रिल कम होता है वैल्यू डेप्थ कम होता है, इसलिए हमको वो सेपरेट ऑफसेट देने के लिए हमने HA लेटर यूज करते हैं, वो सेपरेट सिर्फ जेड एक्सेस ऑफसेट के लिए ही रहता है टोटल, एक्स वाई का कुछ जरूरी नहीं देने के लिए। फिर उसके बाद हम अभी कोऑर्डिनेट देना है पहले बोर्ड का, तो हमने देखा था एक्स प्लस 100 y और वाई प्लस 100 y, एक्स प्लस 100 दिया है और वाई प्लस 100 दिया है टोटल, और जेड हम ये इनिशियल जो वैल्यू होता है और ये पुल एंड डाउन किया टोटल, हाँ। फिर उसके बाद हम ये साइकिल कोड दे रहे, तो हम अभी ये दोनों में से चॉइस किया हम G99 देंगे टोटल, हाँ साइकिल से आपके पास G81 ये साइकिल ड्रिलिंग साइकिल कोड है टोटल, हाँ। फिर उसका डेप्थ कितना है, ये पहले कोऑर्डिनेट इधर एक्स वाई का दिया है इसलिए इधर नहीं दिया हम एक्स, हाँ। तो डेप्थ हमारा कितना जाना है 30 mm, तो ये 30 mm हम इधर दिए, और आर हमारा कितना है सेफ बिफोर और आफ्टर के बाद 5 mm सेफ रखना है, तो ये सेफ वैल्यू होता है ड्रिल का। फिर उसके बाद किए हमको इसको ये होल को कितनी बार रिपीट करना है 2 बार, और फीड कितना देना है 40, तो ये mm पर मिनट में, हाँ ऐसा ये साइकिल कोड का ब्लॉक रहेगा, ये सेफ ब्लॉक का ये रहेगा। फिर अभी ये पहले होल का तो कोऑर्डिनेट क्या है, अभी दूसरे होल का एक्स क्या है माइनस 100 है, वाई प्लस कितना है आपका 100 ही है ऊपर, उसको कितना रिपीट करना है 2 बार, तो क्या 2 देने का टोटल, हाँ। फिर उसके बाद तीसरे होल का क्या वैल्यू है टोटल, हमने कोऑर्डिनेट में निकाला था एक्स माइनस में हो जाएगा, हाँ माइनस 100 हो जाएगा टोटल, और वाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा टोटल, और के मुझे ये 3 बार ये करना है, तो आप ये 3 लिख सकते हैं ना, 3 बार मतलब एक ही होल में पहला जाएगा दूसरा और फिर तीसरा, वो टोटल मिला के रहता है। फिर वापस आपका चौथे होल का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस में जाएगा और वाई माइनस में जाएगा, तो एक्स प्लस में 100 रहेगा और वाई माइनस 100 रहेगा टोटल, और के उसको मुझे 2 बार ये करना है टोटल, तो मैंने ये 2 देंगे तो 2 बार वो होल एक ही रिपीट हो जाएगा टोटल, तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया टोटल यहां से, हाँ यहां से यहां तक ये साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ है टोटल। तो अभी वो मुझे हमको साइकिल बंद करना है, तो ये जो हमने कोड दिए थे 81 इसको कैंसिल करने के लिए G80 कोड दिया जाता है, और जो सेफ जगह आके रुका है R5 कोड जेड आपका, तो उसको हवा में और भेज रहे हैं, तो जेड 100.0 और जो कूलेंट हमने चालू किया था वो बंद कर रहे हैं हम टोटल, हाँ M09। फिर उसके बाद हमने जो स्पिंडल स्टार्ट किया RPM दिया उसको स्पिंडल को रुकाने का है टोटल, तो ये M05 हमने कोड दिया टोटल स्पिंडल रुकाने के लिए। फिर वो टूल हमको होम पोजिशन भेजना है, तो G91
GAP1, G20 ये रेफरेंस कोड है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, फिर इधर X0, इधर Y0 और Z0, तो ये तीनों एक्सेस ऑटोमेटिक मशीन जीरो पॉइंट हो जाएंगे। और फिर हम ये M30 मतलब ये कोड की वजह से क्या होगा, प्रोग्राम खत्म होके पहली जगह जाके रुकेगा। तो इसी तरह से हमने ये ड्राइंग निकाल के, वो ड्राइंग का ड्रिलिंग साइकिल से कैसे, 81 ड्रिलिंग साइकिल से प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है ये हमने, और उसका फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट के बाद उसका लेआउट क्या काम करता है 81 का, वो हमने देखा फॉर्मेट 81 का, लेआउट 81 का देख के फिर उसके ये होल के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं वो हमने देखा, फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है ये हमने ये आज ये वीडियो के माध्यम से देखा है। आपको कुछ भी ये ड्रिलिंग साइकिल के कुछ आपको डाउट है या और कुछ एडवांस आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।